हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे भीमराव अंबेडकर के बारे में, जिन्होंने दलित जो वर्ग है उनके बारे में बात की है, और इन्होंने अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य को अपनाया है, और इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या उन्होंने बुक लिखी, सभी कुछ हम देखेंगे, और इनका योगदान क्या रहा उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि इन्होंने ही दलितों के बारे में सबसे पहले बात की है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, और उस पर कई सारी पुस्तकें भी लिखी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भीमराव, तो चलिए देख लेते हैं इनका बर्थ कब हुई थी। डेट ऑफ बर्थ इनकी है 14 अप्रैल 1891, और इनकी डेथ हुई थी 6 दिसंबर 1956 में। उनका बचपन का जो नाम था वो था भीम सतपाल, और उनके पापा जी का जो नाम था पिताजी का वो इनका था, जो इनके पिता थे उनका नाम था राम जी सतपाल, और इनके जो पिता थे वो कबीरदास के अनुयायी थे, मतलब कबीर की बातों को एक्सेप्ट करते थे। और इनकी जो जाति थी, इनकी जो जाति थी हमारे जो अंबेडकर जी हैं इनकी, तो ये माहर जाति के थे, और इन्होंने अपना जो शिक्षण कार्य है बहुत अच्छे से क्लियर किया था। ये बाहर विदेश में पढ़ने गए थे, ये मुंबई से और अमेरिका से, कोलंबिया विश्वविद्यालय से, वहाँ से पीएचडी वगैरह की थी इन्होंने, एमए और पीएचडी की है कोलंबिया विश्वविद्यालय से, और इन्होंने अपना जो पीएचडी का जो विषय था उसे भी इन्होंने द प्रॉब्लम्स ऑफ मनी, इन्होंने 1930 में अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, और जनरल जो गवर्नर जनरल काउंसिल के ये अध्यक्ष भी बने, और ये पहले कानून मंत्री भी बने भारत के, स्वतंत्र भारत के। तो इस तरीके से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। आगे हम देखते हैं इनके इन्होंने अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य को अपनाते हुए दस्तावेज तथा संस्कृत तथ्यों को अधीनस्थ और समूह परिप्रेक्ष्य की पद्धति को अपनाया, लिखे हुए दस्तावेज को इन्होंने प्रयोग में लाए, और इन्होंने जो मुद्दे बात की, जो मुद्दों पर बात की वो है भारतीय समाज के विभिन्न पक्षों के बारे में, जैसे अस्पृश्यता, राज्य और अल्पसंख्यक के बारे में, जाति व्यवस्था की समाप्ति के मुद्दों को उठाया इन्होंने। बुक्स वगैरह देख लेते हैं कि इनकी कौन कौन सी बुक हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हैं, आपके NTA NET PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर JSE लेक्चर, इसमें आती हैं बुक्स वगैरह काफ़ी आती हैं, तो देख लेते हैं। अनटचेबिलिटी, हु आर दे, हु आर सूद्रा, स्टेट एंड मिनोरिटी, इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। तो इस तरीके की बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये, इससे इन्होंने इस टॉपिक पे, कई टॉपिक पे इन बुकों में लिखा है, तो वो भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। जो इन्होंने टॉपिक दिए थे, जिनके विषय में इन्होंने बात की, जाति के बारे में इन्होंने बात की, अस्पृश्यता के बारे में बात की, पहचान के बारे में बात की, ब्राह्मण और शूद्र उनसे जो पहचान है एक दूसरे की उसके बारे में बताया, अर्थव्यवस्था के विषय में बात की है इन्होंने, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के विषय में अपनी पुस्तकों में बात की है, संवैधानिक प्रजातंत्र के बारे में बात की है और प्रशासन के बारे में बात की, अलाभकारी और सहयोगात्मक राजनीति के बारे में विषय में बात की है इन्होंने, शोषण की अवधारणा भी दी थी और तर्क अधिकार तथा उसकी पहचान भी बताई इन्होंने, बौद्धवाद को इन्होंने सम्मान दिया, इन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया था, और बहुलवाद और उसकी जो सीमाएं हैं उसके विषय में इन्होंने अपनी बात की है, अल्पसंख्यकों के बारे में, उनकी पहचान के विषय में, और संविधानवाद तथा कानून के शासन की बात की है। अंबेडकर ने अपने जीवन भर की तपस्या में भारत के लिए एक दृष्टि देखी थी, सामाजिक समूहों, ऐसे निवास क्षेत्रों और राष्ट्रों जो अलाभकारी परिस्थिति में थे के प्रति उनकी चिंताएं थीं, वे विश्व को व्यापकता से परिचित थे और उनकी जटिलताओं को अच्छी तरह जानते थे, जो समाजों में पैदा हुई होती हैं उनको उन्होंने अच्छे से देखा था, वे अपने द्वारा अपनाई गई कार्यवाहियों, जो उनके साथ जो घटनाएँ घटी थी उनसे वो बहुत अच्छे से परिचित थे कि निम्न जाति की स्थिति कैसी है, भारत के पिछड़े वर्गों को अब भी अंबेडकर द्वारा छोड़ी गई धरोहर के आधार पर, भारत के पिछड़े वर्गों को अब भी जो अंबेडकर जी ने जो भी धरोहर छोड़ी है
उसके अवशेष और उनसे भागीदारी लेकर जो हमारे निम्न स्थिति जो जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो पदोन्नति कर रहे हैं, उनके विरोधी जो रहे वो उनको एक प्रतीक के रूप में स्वीकार करते थे, और दलितों ने नीची जो जाति थी वंचित समूहों की जनसंख्या को देखते हुए इन्होंने जो भी राजनीति दल बनाए थे उसकी अवहेलना, तो अवहेलना जो कर रहे थे वो रहे, लेकिन फिर भी इन्होंने अंबेडकर जी के जो विचार थे जो निम्न वर्ग के श्रेणी के व्यक्ति थे उन लोगों को काफ़ी सहयोग मिला और वो भी बौद्ध धर्म को अपना कर बौद्ध धर्मी हो गए। तो इस तरीके से हमारे अंबेडकर जी थे जिन्होंने समाज में दलित वर्ग के लिए बहुत सा कंट्रीब्यूट किया और दलित वर्ग के लिए कार्य किए और कानून के भी प्रथम मंत्री रहे हमारे। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी वो जो इसी से जो अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य से रिलेटेड है हमारे रणजीत गुहा, उनको जो आपके एनटीए नेट के सिलेबस में भी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉच।